मैंने चाकू से केक काटा। आई कट द केक विद द नाइफ। आई कट द केक विद द नाइफ। उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही रोट द लेटर विद द ब्लू पेन। ही रोट द लेटर विद द ब्लू पेन। उसने पत्थर से चिड़िया मारी। ही किल्ड द बर्ड विद द स्टोन। ही किल्ड द बर्ड विद द स्टोन। इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। आई एम विद राम इन दिस मैटर। आई एम विद राम इन दिस मैटर। हम आपके साथ रहेंगे। वी विल बी विद यू। वी विल बी विद यू। या फिर हम बोल सकते हैं वी विल स्टे विद यू, मीन्स हम आपके साथ रहेंगे। मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। माई डैड ब्राउट लैपटॉप टू हिज ऑफिस। माई डैड ब्राउट लैपटॉप टू हिज ऑफिस। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। यू लिव विद ऑनेस्टी। यू लिव विद ऑनेस्टी। मैं 2 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। मैं एक होटल में रुका। आई स्टेड एट अ होटल। या फिर हम बोल सकते हैं आई स्टेड इन अ होटल, मीन्स मैं एक होटल में रुका। वो बस स्टॉप पर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मीन्स वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल एक स्टोर में काम करता है। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। या फिर बोल सकते हैं राहुल वर्क्स इन अ स्टोर, मीन्स राहुल एक स्टोर में काम करता है। मैं दोपहर में बाहर था। आई वॉज देयर इन द आफ्टरनून। आई वॉज देयर इन द आफ्टरनून, मीन्स मैं दोपहर में बाहर था। हम रात में पढ़ते हैं। वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी एट नाइट, मीन्स हम रात में पढ़ते हैं। यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 kg। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 kg। मैं प्याज 10 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। आई एम वाइंग अनियन एट ₹10 a kg। आई एम वाइंग अनियन एट ₹10 a kg। मैं होली पर घर आऊंगा। आई विल कम होम एट होली। आई विल कम होम एट होली। मैं दिवाली पर घर आऊंगा। आई विल कम होम एट दिवाली। आई विल कम होम एट दिवाली। वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, मीन्स वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा। आयांश अब 10 बजे सोता है। आयांश स्लीप्स एट 10 नाउ। आयांश स्लीप्स एट 10 नाउ। वह रात में हॉस्पिटल गया। ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। पापा दीपावली में वहां जाएंगे। पापा विल गो देयर एट दिवाली। पापा विल गो देयर एट दिवाली। हम जन्मदिन पर आए थे। वी हैड कम एट बर्थडे। वी हैड कम एट बर्थडे। मैं ग्लास से देख सकता हूँ। आई कैन सी थ्रू द ग्लास। आई कैन सी थ्रू द ग्लास, मीन्स मैं ग्लास से देख सकता हूँ। मैं एक गली से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। हम भूमिगत रास्ते से गए। वी वेंट थ्रू द अंडर पास। वी वेंट थ्रू द अंडर पास। पानी इस पाइप से गुजर रहा है। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकती हूँ। आई कैन सी यू थ्रू द विंडो। आई कैन सी यू थ्रू द विंडो। उसने मुझे इस छेद से देखा। ही सॉ मी थ्रू दिस होल। ही सॉ मी थ्रू दिस होल। हम सुरंग से गए। वी वेंट थ्रू एन अंडर पास। वी वेंट थ्रू एन अंडर पास, मीन्स हम सुरंग से गए। अमन खिड़की से झांक रहा है।
Aman is peeping through the window. Aman is peeping through the window. Pani is pipe se guzra. Water passed through this pipe. Water passed through this pipe. Is pahad ke us paar ek mandir hai. There is a temple beyond this mountain. There is a temple beyond this mountain. Us nadi ke paar kya hai? What is there beyond that river? What is there beyond that river? Is brahmand ke paar kuch hai? There is something beyond this universe. There is something beyond this universe. Soch se pare bhi cheeze hai. There are things beyond imagination. There are things beyond imagination. Iske paar ek jungle tha. There was a forest beyond it. There was a forest beyond it. यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी. This train will go to the Delhi by Kanpur. This train will go to Delhi by Kanpur. मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी. I sent him my picture by Bluetooth. I sent him my picture by Bluetooth. बस कोर्ट द्वार से होते हुए आती है. बस कम्स बाय कोर्ट द्वार. बस कम्स बाय कोर्ट द्वार. मैं दुबई के रास्ते अमेरिका गया. आई वेंट टू अमेरिका बाय दुबई. आई वेंट टू अमेरिका बाय दुबई. उसे ब्लूटूथ से भेज दो. सेंड हिम बाय ब्लूटूथ. सेंड हिम बाय ब्लूटूथ. ये शर्ट फटी हुई है, इसको कैसे बोलेंगे? दिस शर्ट इज टॉर्न. दिस शर्ट इज टॉर्न. टॉर्न मीन्स फटा हुआ. रिप जो वर्ड है वो भी किसके लिए यूज होता है? फटा हुआ के लिए. आर आई डबल पी ई डी रिप्ड. अपनी बाजुएं फोल्ड कर लो, इसको कैसे बोलेंगे? बाजू में स्लीव, जैसे शर्ट की बाजू वगैरह, उनको फोल्ड करने की बात हो रही है, तो इनको कैसे बोलेंगे हम? रोल अप योर स्लीव्स. रोल अप योर स्लीव्स मीन्स अपनी बाजुओं को फोल्ड कर लो. और अगर बोलना हो कि अपनी बाजुएं नीचे कर लो, जो फोल्ड करी हुई शर्ट है उसको अगर नीचे करना है, तो उस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? रोल योर स्लीव्स डाउन. Roll your sleeves down means अपनी बाजुएं नीचे कर लो. मम्मी मेरे बालों में तेल लगाते हैं, इसको कैसे बोलेंगे हम? Mom applying oil to my hair. Mom applying oil to my hair means मम्मी मेरे बालों में तेल लगाती है. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मॉम पुटिंग ऑयल ऑन माय हेयर. मॉम पुटिंग ऑयल ऑन माय हेयर. और इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, लाइक मॉम ऑयलिंग माय हेयर. मॉम ऑयलिंग माय हेयर. तेल लगाने के लिए हम इन तीनों तरीके से बोल सकते हैं. ये तीनों तरीके कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट वन है अप्लाइंग टू, सेकंड है पुट ऑन, एंड थर्ड वन इज ऑयलिंग या फिर ऑयल. क्या आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते? कांट यू फेस द ट्रूथ. कांट यू फेस द ट्रूथ मीन्स क्या आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते? तुम्हारी मम्मी कुछ पूछ रही है. योर मॉम इज आस्किंग समथिंग. Your mom is asking something means तुम्हारी मम्मी कुछ पूछ रही है. ये क्या पागलपन है? What's this madness? What's this madness means ये क्या पागलपन है? उसकी खुशी उसी में है. His happiness lies in her. His happiness lies in her means उसकी खुशी उसी में है. राधा की खुशी श्याम में है. Radha's happiness lies in Shyam. Radha's happiness lies in Shyam means Radha ki khushi Shyam mein hai.
वह कभी नहीं झुकेगा. ही विल नेवर बो डाउन. ही विल नेवर बो डाउन मीन्स वह कभी नहीं झुकेगा. मुझे नीचे उतारो. गेट मी डाउन. गेट मी डाउन मीन्स मुझे नीचे उतारो. ये सब क्या बकवास है. वट इज ऑल दिस नॉन सेंस. वट इज ऑल दिस नॉन सेंस मीन्स ये सब क्या बकवास है. यह एक हक्का बक्का कर देने वाला संयोजन है. इट इज अ माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन. इट इज अ माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन मीन्स यह एक हक्का बक्का कर देने वाला संयोजन है. वह मुझे अपमानित करने के लिए हर रोज एक नया तरीका ढूंढता है. ही फाइंड्स अ न्यू वे एवरी डे टू ह्यूमिलेट मी. ही फाइंड्स अ न्यू वे एवरी डे टू ह्यूमिलेट मी मीन्स वह मुझे अपमानित करने के लिए हर रोज एक नया तरीका ढूंढता है. यहाँ खड़े होकर आप खुद को क्यों परेशान करते हैं. Why do you trouble yourself while standing here? Why do you trouble yourself while standing here? Means यहाँ खड़े होकर आप खुद को क्यों परेशान करते हो. उन्होंने आपको एक तस्वीर में टैग किया है. He has tagged you in a picture. He has tagged you in a picture. Means उन्होंने आपको एक तस्वीर में टैग किया है. वह नुकसान पहुंचाने वाला है. ही इज मेलिंग. ही इज मेलिंग. मेलिंग का मतलब होता है कुछ नुकसान पहुंचाने वाला. इफ समथिंग इज मेलिंगन इज को हार्म. राधा ने श्याम को बदनाम किया. राधा हैज मेलिंगन श्याम. राधा हैज मेलिंगन श्याम मीन्स राधा ने श्याम को बदनाम किया. आवाज बढ़ा दो. इंक्रीज द वॉल्यूम. इंक्रीज द वॉल्यूम मीन्स आवाज बढ़ा दो. पिता बनने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू बी फादर. डोंट ट्राई टू बी फादर मीन्स पिता बनने की कोशिश मत करो. जल्दी करो. हरी अप. हरी अप मीन्स जल्दी करो. इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है. दिस टाइम यू आर डीलिंग विद मी. दिस टाइम यू आर डीलिंग विद मी मीन्स इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है. या फिर हम बोल सकते हैं यू हैव मेट योर मैच. यू हैव मेट योर मैच. मुझे ना चाहते हुए भी ये खाना खाना पड़ा. आई हैड टू ईट दिस फूड अनविलिंगली. आई हैड टू ईट दिस फूड अनविलिंगली मीन्स मुझे ना चाहते हुए भी ये खाना खाना पड़ा. मैं ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोल दिया. आई रिलक्टेंटली सेड यस टू हर. आई रिलक्टेंटली सेड यस टू हर मीन्स मैंने ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोल दिया. मैंने उसे देखा. आई सॉ हर. आई सॉ हर मीन्स मैंने उसे देखा. ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं. दिस थिंग डिडंट स्ट्राइक माई माइंड. दिस थिंग डिडंट स्ट्राइक माई माइंड मीन्स यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं. मैं वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा. आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स. आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स मीन्स मैं वहाँ 10 मिनट में वहाँ होऊंगा. तुम मेरे लिए परवाह का नाटक मत करो. डोंट प्रिटेंड यू केयर फॉर मी. डोंट प्रिटेंड यू केयर फॉर मी मीन्स तुम मेरे लिए परवाह का नाटक मत करो. आप शक्की क्यों हो रहे हो. वाई आर यू बींग सस्पिशियस. वाई आर यू बींग सस्पिशियस मीन्स आप शक्की क्यों हो रहे हो. कुछ भी एनीथिंग. कुछ भी एनीथिंग. मैं इसे लंबे समय से करना चाहता था. आई वॉन्टेड टू डू इट सिंस लॉन्ग. आई वॉन्टेड टू डू इट सिंस लॉन्ग मीन्स मैं इसे लंबे समय से करना चाहता था. हर किसी को बढ़ा चढ़ा के बिल मिल रहा है. एवरी वन इज गेटिंग एग्जैग्रेटेड बिल. एवरी वन इज गेटिंग एग्जैग्रेटेड बिल मीन्स हर किसी को बढ़ा चढ़ा के बिल मिल रहा है. हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं. वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी. वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी मीन्स हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं. हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं. वी हैव रन आउट ऑफ मनी.
We have run out of money. Means हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं. मैंने उसे रोका. I stopped him. Means मैंने उसे रोका. आगे एक पेट्रोल पंप है. There is a petrol pump ahead. Means आगे एक पेट्रोल पंप है. आप सभी लोग एक साथ रहें. All of you live together. Means आप सभी लोग एक साथ रहें. ये मेरी गलती नहीं है. This is not my fault. Means ये मेरी गलती नहीं है. आप मुझे यहाँ ले आए. You got me here. या फिर बोल सकते हैं You took me here. या फिर You got me here. उसे सजा देने की ज़रूरत है. He needs to be punished. Means उसे सजा देने की ज़रूरत है. यह पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. This is completely against the rules. Means ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. मुझे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. I'm not interested in going. Means मुझे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपने कमरे में जाऊं. Do you mind if I go to my room? Means क्या आप बुरा ना मानो तो मैं अपने कमरे में जाऊं. मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है. I haven't decided yet. Means मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है. किसी को भी इसका पता ना लगने दे. Do not let anyone find out this. Means किसी को भी इसका पता ना लगना दें.